टैक्स से जुड़ी परेशानियों से आपके कारोबार का पूरा विवरण तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। देश की राजधानी दिल्ली समेत कई राज्य कोहरे, बारिश और शीतलहर की चपेट में हैं। मौसम विभाग की माने तो उत्तर भारतीय राज्यों में अगले 24 घंटे शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। आईएमडी ने कई क्षेत्रों में भारी बारिश का भी अनुमान जाहिर किया है। वहीं पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में 2 से 4 फरवरी तक बारिश समेत भारी बर्फबारी होने की आशंका जताई है। दिल्ली की बात करें तो मौसम विभाग का मानना है कि इस पूरे सप्ताह राजधानी दिल्ली में बारिश नहीं होगी, लेकिन हवा की ठिठुरन से बढ़ने की संभावना है। आईएमडी ने कहा है कि यहां पूरे सप्ताह मौसम साफ रहने के साथ सुबह शाम अधिक ठंड होने की संभावना जताई गई है। हालांकि दिल्ली में 3 फरवरी को हल्की बारिश होने की भी संभावना है। आईएमडी ने कहा है कि बहुत हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना के साथ आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। फरवरी की शुरुआत में अधिकतम तापमान 20 और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो पहाड़ों में हो रही बर्फबारी का असर पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश कोहरा और शीतलहर की चपेट में बना दिख रहा है। हालांकि आज राजधानी लखनऊ में अधिकतम तापमान 18 डिग्री तो वहीं न्यूनतम तापमान 20 डिग्री के रहने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लोग धूप का आनंद उठाते दिख सकते हैं। यहीं से बात करें अगर बिहार की, तो बिहार में 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पछुआ हवा का प्रवाह है। इसके साथ उत्तर पछुआ हवा भी बह रही है। ऐसे में पटना मौसम विभाग ने प्रदेश में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। पटना समेत बिहार के 18 जिलों में कोल्ड डे की स्थिति के आसार हैं। बिहार में अगले 3 दिनों तक शीतलहर जैसी स्थिति बनी रह सकती है। राज्य में 2 से 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान सामान्य से 10 डिग्री नीचे रहने की संभावना है। वहीं कश्मीर में मौसम एक बार फिर से बिगड़ने की वजह से सर्दी से कोई राहत नहीं मिलने की संभावना है। कश्मीर में बादल छाने लगे हैं और मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिन तक मौसम ऐसे ही रहेंगे। 31 जनवरी से राज्य के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी होगी। कश्मीर के श्रीनगर में आज अधिकतम तापमान 9 और न्यूनतम तापमान -4 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। बादल छाए रहेंगे। गुलमर्ग में अधिकतम तापमान -6 और न्यूनतम तापमान -5 डिग्री तक रहने की संभावना है। वहीं पहलगाम में अधिकतम तापमान 3 और न्यूनतम तापमान -7 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं 31 जनवरी से बारिश और बर्फबारी हो सकती है। बात करें अगर राजस्थान की, तो राजस्थान में अभी शीतलहर का सितम कुछ दिन और रहेगा। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान उत्तरी राजस्थान में शीतलहर जैसी स्थिति रहने की संभावना जताई है। हालांकि जयपुर, जोधपुर और उदयपुर जैसे शहरों के तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। वहीं सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, बीस सहित कई शहरों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इसकी वजह से शीतलहर चलने का अनुमान है। बात करें यहाँ से अगर पंजाब की, तो पंजाब इस समय भीषण ठंड की चपेट में है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे तक सर्दी का सितम रहेगा। यही नहीं, आने वाले 2 से 3 दिनों के दौरान पंजाब में शीतलहर चलने की भी संभावना है और कोहरा छाया रहेगा। पंजाब में आज अधिकतम तापमान 20 और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।